भारत, इसी के तहत महाजनसंपर्क अभियान जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, उसी कड़ी में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी सिरसा की धरती पर पधारे और जिस तरीके से यहाँ की आम जनता ने, हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने और ख़ासकर अगर मैं ये कहूँ कि सभी हमारे मीडिया के बंधुओं ने भी जो सहयोग किया और जिस तरह से उसमें भागीदारी करी, तो मैं तहे दिल से आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि ये सिरसा के इतिहास में ऐसी रैली रही कि जिसमें किसी भी तरह का कहीं कोई भी जो वहाँ पर आम जनमानस उपस्थित था उसमें किसी भी तरह का कहीं कुछ ऐसा नज़र नहीं आया कि उनको कहीं कोई परेशानी है या कोई दिक्कत है। सबके सब जो है इतना रिस्पॉन्सिव थे कि जो भी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी उनसे बात कर रहे थे तो उसको वो बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे थे। तो इतनी रिस्पॉन्ड करने वाली जो गैदरिंग है उससे माननीय गृह मंत्री जी भी बहुत खुश होकर गए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 वर्ष हमारी सरकार के पूरे हुए हैं उनमें हमारा लेखा जोखा 9 साल में क्या रहा वो हमने आम जनता के सामने प्रस्तुत किया। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो आम जनता से आप लोग प्रश्न पूछ रहे थे रैली के दौरान, आप लोग उनसे बार बार जो है इसके बारे में बात कर रहे थे कि आप जो है यहाँ आए हैं रैली में तो क्या आप सरकार के काम से खुश हैं, तो आपने देखा होगा कि आम जनमानस के मन में भी यही बात है कि ये बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रही है और जो हमारे इलाके में, चाहे हम खालों की बात करें, सड़कों की बात करें, ये सब काम जो हमारे इलाके में हुए हैं उससे हम बहुत संतुष्ट हैं और उसी के लिए हम लोग यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी को देखने के लिए और उनके ओजस्वी विचारों को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो मैं संयोजक होने के नाते सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं का, सभी हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ वरिष्ठ नेताओं का और आम जनमानस का, जो सिरसा की आम जनता है, उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इसके साथ साथ मॉनसून सेशन जो है वो अगले महीने में शुरू होने वाला है और जो ऐसे बातें हैं हमारी सिरसा लोकसभा की कि जो मुझे केंद्र में रखनी चाहिए वो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि फिर ज़रूर रखूँगी और जो भी हमारे इलाके में विकास कार्य हो सकते हैं उनको करवाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। जैसा कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी ने आप लोगों को बताया भी है कि 1513 करोड़ रुपया हमारे किसान भाइयों को जिस तरह से यहाँ पर फसल बीमा योजना के तहत मिला है, मुआवजे के तौर पर भी मिला है, वो पूरे हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बड़ी रकम है। और फूड पार्क के बारे में भी उन्होंने बताया कि आसाखेड़ा में, तेजा खेड़ा में और चौटाला में, इन 3 जगह पर जो है वो फूड पार्क बन रहे हैं, उससे हमारे किसान भाइयों को लाभ मिलेगा और इसके साथ साथ हमारे युवाओं को जो है वो रोज़गार भी मिलेगा। उन्होंने इसके साथ साथ बताया कि किस तरह से हमारे आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जिनका कि आज जन्मदिवस भी है, आपके माध्यम से मैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, कि उन्होंने सिरसा के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है उसका उन्होंने शिलान्यास किया, बहुत जल्द जो है उसका काम शुरू हो जाएगा। 1-2 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी फिर से मुलाकात होने वाली है और मैंने उनसे ये बात पहले भी कही है और अब भी मैं फिर से उनसे ये बात कहूँगी कि सीएम अनाउंसमेंट की जो भी काम है, योजनाएं हैं, उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और इसके साथ साथ जो हमारे मेडिकल कॉलेज है इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि अधिकारियों से भी बात करके उसको देखें हम कि वो कब और किस तरह से जो है वो जल्द से जल्द शुरू हो, जल्द से जल्द कार्रवाई हो ताकि हमारे सिरसा के लोगों को उसका लाभ मिल सके। इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारी केंद्र की योजनाएं हैं उसके तहत जो ये अमृत काल है इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम लोगों से पूछकर, लोकसभा के जो सांसद हैं उन सबसे पूछकर उनकी लोकसभाओं में कुछ ऐसे जो रेलवे स्टेशन हैं उनको चिन्हित किया है जिनको अमृत स्टेशन नाम दिया गया है, उसके तहत जो है उनका ज़बरदस्त तरीके से जो है विकास होगा। उसी कड़ी में हमारा सौभाग्य है कि सिरसा जो जिला है इसका रेलवे स्टेशन जो है इसका भी नवीनीकरण होगा और दिसंबर तक जो है वो पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर
जो तीसरा नंबर प्लेटफॉर्म है उसको भी बनवाने की हमारी कोशिश है, और वाटर हाइड्रेंट वो भी हमारी कोशिश है कि उसका टेंडर वगैरह हो गया, उसका सब पैसा वैसा सब पास हो गया है, तो बहुत जल्द जो है वो यहाँ पर वाटर हाइड्रेंट भी हमारी ट्रेन्स के लिए बन जाएगा। और जैसे ही हमारा वाटर हाइड्रेंट यहाँ पर बनता है तो ये देखिए कि यहाँ पर जो ट्रेन्स हैं उनकी गति बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी से के साथ यहाँ पर और ज़्यादा आवागमन जो है वो हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि उससे हमारी सिरसा की जनता को बहुत लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ जो हमारा नेशनल हाईवे है उस पर जो ओवरब्रिज बने हैं वो भी एक बहुत बड़ी सौगात हमारे यहाँ की आम जनता को है, क्योंकि नहीं तो आप देख रहे थे कि बिना हाईवेज़ के बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो हैं इस रोड्स के ऊपर होते थे, लेकिन जब से ये हाईवेज़ के ऊपर ये ओवरब्रिज बने हैं उसके बाद से उन दुर्घटनाओं में बहुत ज़्यादा कमी आई है। और अभी भी कहीं पर भी ये लगता है कि यहाँ पर कुछ एक्सीडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर हम ऑफिसर्स को जो है ड्यूटी लगाकर उसको ब्लैक स्पॉट घोषित कर देते हैं। जैसे हमारी हासपुर जो है, हासपुर की हमारी संघर्ष समिति जो है वो मुझसे मिली और उन्होंने कहा कि जी यहाँ पर भी बहुत सख्त जरूरत है कि यहाँ पर भी ओवरब्रिज बनाया जाए। तो हमने आदरणीय गडकरी जी से बात करी और उन्होंने सभी अधिकारियों को बात करके और ये सुनिश्चित किया, उसका भी टेंडर वगैरह सब हो गया है पास और बहुत जल्द जो है हासपुर पे भी चौक जो है वहाँ पर भी ब्रिज बनेगा। तो इसी तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं कि आम जनता जो है उसके लिए जितना भी हम सरकार की तरफ से कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं हम। साथ के साथ साथ जो योजनाएं हैं सब की सब जो है वो आम जनमानस के लिए योजनाएं हैं। आयुष्मान की बात करें हम, आवास योजना की बात करें, तो ये सब योजनाएं जो हैं पिछले नौ वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सब चल रही हैं। तो उसी के लेखे जोखे को लेकर हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आए हैं और उनकी जो ये जनसभा हुई थी तो उसको सभी ने बहुत सराहा है। आप सब लोगों का भी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आपके संसदीय क्षेत्र में ऐसा कौन सा काम आपने विशेष गौरवशाली या गौरव के तौर पे देखा जा सके, सबसे अहम जिसका मानते हैं ये काम है? देखिए, मुझे सबसे ज्यादा लगता है ट्रेन्स का काम। एक गोरखधाम ट्रेन जब मैंने शपथ ली थी उसमें मुझे कहा गया था कि जी गोरखधाम ट्रेन के बारे में पिछले शायद एक दशक से जो है लोग प्रयास कर रहे थे कि ये ट्रेन जो है वो हिसार से सिरसा आनी चाहिए, और सब लोग बिल्कुल जो है हताश निराश सब कुछ हो चुके थे कि ये नहीं आ सकती यहाँ पर। तो आप ये देखें कि हम कितनी जल्दी उसको ले आए। उसके अलावा ट्रेन्स का जो काम चल रहा है, ट्रेन्स का जो नवीनीकरण की मैंने आपको बात कही, ये सिरसा के लोगों को उसकी बहुत ज़्यादा आदत ही नहीं थी। उनके दिमाग में था ये था कि यहाँ पर सिरसा में जो है वो इस तरह का विकास नहीं हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस तरह से विकास हो रहा है, तो आप ये देखिए कि मैं चाहे फेसबुक लाइव पे आऊं, मैं चाहे आम जनता के पास ऐसे भी बैठी हूं, तो सबसे पहले मुझसे बार बार यही बात कही जाती है कि जी हमारे यहाँ पर ये ट्रेन ले आइए, हमें ये स्टॉपेज दे दीजिए, ये लाइन बना दीजिए। ये उम्मीदें इंसान की कब जागती हैं? जब उनको लगता है कि ये पूरी हो रही हैं तभी आपकी उस तरह की उम्मीदें और ज़्यादा जागती हैं। तो इसलिए मेरी पूरी पूरी कोशिश है कि मैं रेलवे के मामले में यहाँ पर पूरा इसका यहाँ का इस इलाके का नक्शा बदल दूँ। सिरसा को महम और रोहतक वाया सीधा ट्रेन से जोड़ने का मामला कहाँ तक पहुँचे? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली मेरी जो प्रायोरिटी है, एक तो वो श्रीधाम ट्रेन की है। मुझे बार बार इसके बारे में जो है आग्रह हमारे वहाँ के भाई बंधु करते रहते हैं। दूसरी मेरी कोशिश है इस जिले को हमारे कैपिटल चंडीगढ़ से जोड़ने की। ये दो मेरी बहुत ही महत्वपूर्ण, आप ये समझ लीजिए कि मेरे मन में ये भाव है कि जितना जल्दी हो सके इनको मैं पूरा करवा सकूँ। श्रीधाम ट्रेन हमारी एक तो, और दूसरी हमारी इस जिले को हमारे कैपिटल से, हमारे राजधानी से जोड़ने की। आज तक आप ये देखिए कि ट्रेन से हमारा जिला जो है वो राजधानी से नहीं जुड़ा हुआ है, कितनी बड़ी विडंबना है, कभी किसी ने इसके बारे में सोचा? लेकिन मुझे ये लगता है कि ट्रेन जो है वो सबसे सस्ता साधन है। अगर ये किसी भी तरीके से चंडीगढ़ से जुड़ जाती है तो हमारा यहाँ का आम जनमानस जो है वो यहाँ चंडीगढ़ जाएगा ट्रेन से, अपने काम वहाँ करवाएगा और उसके बाद वापस आ जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कहा कि जो अमित शाह ने कांग्रेस के दौरान हुए कामों को गिनवा करके वो चले गए, जबकि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। नहीं देखिए, मैंने आपको जितने काम गिनवाए हैं यही काम जो है हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने गिनवाए हैं। तो आप ये देख लीजिए, हमारी सरकार जो है जिन योजनाओं का शिलान्यास करती है उन्हीं योजनाओं का उद्घाटन भी करती है। ये कांग्रेस की सरकार में होता था कि पत्थर लगा दिया, उसके बाद सरकार दूसरी आ गई, पत्थर उठा के उन्होंने एक साइड में फेंक दिया, उसके बाद दूसरी सरकार ने फिर से पत्थर लगा दिया। लेकिन आप ये देखिए कि कितनी योजनाएं ऐसी हैं जो हमारी सरकार के समय में जिनका हमने पत्थर लगाया, बकायदा उनका फिर उद्घाटन भी हमने किया,
तो इसलिए अब आप ये बताइए कि ये कह देना तो सिर्फ विपक्षी दल है, देखिए उनको अपना जमीन तलाश करनी है इसलिए कुछ ना कुछ तो कहेंगे। मैम आपने कहा कि नई योजनाएं आपके दिमाग में क्या क्या लेना चाहती हैं? देखिए एक तो मेरे दिमाग